तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं अजीत चौधरी बिरपुर बिहार से अपने साइकिल के ट्रिप में। आज मैं रामेश्वरम, कल मैं रामेश्वरम में था और आज मैं रामेश्वरम से निकल चुका हूँ। और रास्ते में ये है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी का, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और भारत के साइंटिस्ट भी। वहाँ पे उनका बनाया हुआ मिसाइल जो अग्नि है, उसका भी एक झलक दिखाया गया यहाँ पे। अभी मैं अंदर से निकल चुका हूँ, अंदर में मोबाइल और बैग वगैरह अलाउड नहीं है। और यहाँ सामने में आपको लॉकर वगैरह मिल जाएंगे, मोबाइल का लॉकर, बैग वगैरह रखने के लिए, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे पैसे लेते हैं ये लोग, चार्ज है 10 रुपये। और तो कुछ इस तरह है। और मैं अभी बढ़ रहा हूँ कन्याकुमारी की तरफ, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है, तो बढ़ते हैं आगे। मैंने अभी यहाँ पे गन्ने का जूस पिया और अब मैं आगे के लिए निकल रहा हूँ। ये रही अपनी मस्तानी। तो दोस्तों, मैं आया हूँ सुल्तान भाई के दुकान पे। वापस मैं जा रहा था अभी पंबन ब्रिज की तरफ रामेश्वरम से। तो और ये अन्ना है। अन्ना, आपका नाम? मेरा नाम दीना। दीना, दीना अन्ना है। ये भी फिशरमैन वॉइस, हाँ, इनका भी चैनल है और ये भी ट्रैवलर है। तो इन्होंने जूस पिला रहा है मुझे, तो अन्ना को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और बस मैं निकल रहा हूँ अपने सफ़र पे कन्याकुमारी की तरफ। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग। अभी मैं खाने के लिए बैठा हूँ, आप खाना देख सकते हैं कितना चीज़ मिला है, पूरा भरकर। खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी जगह पे रुका था, इसी होटल में, अभी खाना खाने के लिए। मैं अभी उधर से आया हूँ और अभी मैं इधर के लिए निकलूँगा, यानी कि कन्याकुमारी की साइड। तो मिलते हैं आगे। धूप देख सकते हैं अभी भी बरकरार है, अपनी चमक और अपनी गर्मी को लेकर। आप देख सकते हैं मैंने अपने आप को किस तरह से ढक कर रखा है। और टॉवल जो है मेरा पूरा गीला था, मैंने इसको भिगो के इसे लपेटा था, और देख सकते हैं पूरा एकदम से सूख गया है। फिर से इसको लपेटता हूँ गीला करके और फिर आगे बढ़ता हूँ। अभी देख सकते हैं आप कितनी धूप है, और मैं चल रहा हूँ, सामने से ही धूप आ रही है। मेरी मस्तानी का एक चीज़ मिस हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक और फ्लैग था, हमारे नेशनल फ्लैग जो था हमारा, वो किसी ने निकाल लिया मेरे साइकिल से। मैं जो लॉज में रुका था वहाँ पे किसी ने कल रात को, शायद कब निकाला मालूम नहीं, जब मैं आज सुबह निकल रहा था तो वहाँ पे मेरे साइकिल का नेशनल फ्लैग जो था मेरे साइकिल में जो लगा हुआ था, वो उसमें नहीं है। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था और यहाँ पे देखिए पानी का दिक्कत है। लोग कई कई किलोमीटर दूर से आते हैं और यहाँ पे पानी लेते हैं। यहाँ पे शायद सरकारी नल लगा हुआ होगा, जिसके कारण लोग यहाँ पे आते हैं। और ये देख सकते हैं आप, एक एक गाड़ी बना के रखा गया है, जिसपे चार पांच करके ये गलन रखे हैं, सभी में भर के उसको ठेलता हुआ लेके जाते हैं अपने अपने गांव में। और पानी, हाँ, तो धूप अभी भी बरकरार है, लगभग 5 बज चुके हैं और धूप आप देख सकते हैं कितना तगड़ा है अभी भी। तो भाई, अभी हम गुजर रहे थे यहाँ से, तो अभी हमें अपने इलाके के एक भाई मिले हैं जो झारखंड से हैं। क्या नाम हुआ आपका? ओसामा भाई हैं और उनके दोस्त भी हैं। आपका नाम? अजीज। और ये कॉलेज स्टूडेंट है, अभी कॉलेज से आ रहे हैं क्या? तो कॉलेज से आ रहे थे, इसी रास्ते से होते हुए अभी हम दोनों मिले हैं हम लोग। च
6 बज गए हैं और हमारे इधर शायद सूर्य अस्त हो चुका होगा। और यहाँ पे देखिए अभी अभी सूर्य अस्त होने में अभी भी 30 से 40 मिनट बाकी है और अंधेरा होने में लगभग 1 घंटे से ज़्यादा। अब मेरे चेहरे पे पसीना देख सकते हैं, शाम के 6 बज चुके हैं और सूर्य का प्रकोप अभी भी थोड़ा थोड़ा है, तो पसीने से आप देख सकते हैं ये क्या स्थिति है। और ये अभी पूरा खेत खलियान होते हुए तो दोस्तों समय हो चुके हैं 6:37 और ये जो सामने पिकअप चल रही है RJ नंबर की यानी राजस्थान नंबर की, तो इसमें है भाई एक राजस्थान के जिन्होंने मुझे अपने प्लांट पे जो कि सोलर प्लांट में काम, यहाँ पे इनका सोलर प्लांट है पास में ही, तो लगभग 3 किलोमीटर, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और उनके यहाँ रहूँगा आज। उन्होंने इनवाइट किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और चलते हैं वहाँ, फिर वहाँ पहुँच कर आपको आगे की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों 6:51 हो चुके हैं और हम आ चुके हैं उस भैया जी के साथ उनके साइट पे, और यही है उनकी जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जो कुछ वर्कर जो आज हमारी रात्रि विश्राम यहीं पे होगी, ये अपनी मस्तानी। और इधर ही है उनका सोलर प्लांट जहाँ वो लोग काम करते हैं, सामने आप जो देख रहे हैं वो सोलर प्लांट का है। और यहीं पे अपना आसियाना आज रहेगा रात्रि, आप देख सकते हैं सनलाइट अभी तक है, एकदम सुनहरी पिंक कलर की। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, कुछ लोग नेपाल से हैं ये भैया लोग। और तो इसी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम और हर हर महादेव।